दोस्तों, क्या माननीय मोदी जी की सरकार पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को ठेके पर देने जा रही है? क्या कल होकर मोदी जी के उद्योगपति दोस्तों के निजी गार्ड देश के कानून व्यवस्था को संभालेंगे? ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसको समझने के लिए आप देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का ये बयान सुनिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, एक हाइब्रिड मॉडल खड़ा कर सकते हैं जिसमें इसकी रणनीति तो CISF बनाएगी परंतु प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां और CIFS दोनों हाइब्रिड मोड पर सुरक्षा का एक पूरा खाका तैयार करके सुरक्षा प्रदान करेगी और धीरे 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 उसमें से CIFS निकलती जाए और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को हैंडओवर करती जाए। आपने गौर किया होगा कि श्री अमित शाह ने धीरे धीरे शब्द 3 बार बोला है और जिस वक्त वो ये बोल रहे थे कि CISF सुरक्षा का काम प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को हैंडओवर कर दें, उस वक्त उनकी जुबां थोड़ी लड़खड़ाई भी थी, लेकिन उनका संदेश साफ है। देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जो काम अब तक CISF कर रही थी, वो काम अब उद्योगपतियों के निजी सुरक्षा गार्ड करेंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, एक हाइब्रिड मॉडल खड़ा कर सकते हैं जिसमें इसकी रणनीति तो CISF बनाएगी परंतु प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां और CIFS दोनों हाइब्रिड मोड पर सुरक्षा का एक पूरा खाका तैयार करके सुरक्षा प्रदान करेगी और धीरे 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 उसमें से CIFS निकलती जाए और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को हैंडओवर करती जाए। माननीय गृह मंत्री के इस बयान को सेना की अग्निवीर योजना से जोड़कर देखेंगे तो पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सेना की अग्निवीर योजना के तहत 4 साल सैनिक सेवा के बाद युवा सैनिक सड़क पर आ जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। अब उन सैनिकों को उद्योगपति अपने निजी सुरक्षा गार्ड के तौर पर नियुक्त करेंगे और फिर उनसे वही काम लेंगे जो अब तक CISF करती थी, मतलब निजी उद्योगपतियों के सुरक्षा गार्डों की ट्रेनिंग वगैरह का काम सेना करेगी और उसके बाद उन्हें नौकरी के लिए उद्योगपतियों को सौंप देगी। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर इस सरकार की मंशा क्या है, केवल 4 साल तक सैन्य सेवा की योजना बनाकर ये देश की सुरक्षा व्यवस्था को पहले ही कमजोर कर चुकी है और अब CISF को बंद करने की बात कर रही है। क्या कल होकर ये सरकार पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को निजी क्षेत्र को सौंप देगी? कांग्रेस सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला की माने तो सरकार का ये कदम उसी दिशा में उठा एक कदम है। अमित शाह के बयान को टैग करते हुए श्री सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, अब CISF को भी बंद करने की बारी, पूरे देश की सुरक्षा ही ठेके पर देंगे। ऐ मेरे देश, यही है झूठे राष्ट्रवाद का असली चेहरा। वाकई बीजेपी का राष्ट्रवाद कमाल का है, एक ऐसा राष्ट्रवाद जिसकी कमान उद्योगपतियों के हाथ में होगी। यहाँ गौर करने की बात यह कि इतिहास के किसी कालखंड में अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था कभी निजी क्षेत्र के हाथों में नहीं रही है। सतयुग से लेकर कलयुग तक देश की सुरक्षा व्यवस्था और सेना तो हरदम राजा और राज्य के ही अधीन रही है। आसान शब्दों में समझा जाए तो रावण और कौरवों में चाहे लाख बुराई हो, लेकिन उन दोनों ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को ठेके पर नहीं सौंपा था।